नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एल्गो क्रैब के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एंजल ब्रोकिंग के नए एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है स्मार्ट स्टोर। तो दोस्तों स्मार्ट स्टोर के बारे में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्मार्ट स्टोर किस तरीके से काम करता है और अगर आप एल्गो क्रैब का यूज़ करना चाहते हैं एल्गो ट्रेडिंग करने के लिए तो आप स्मार्ट स्टोर की मदद से किस तरीके से एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंजल ब्रोकिंग ने अपने आप को रीब्रांड किया है और एंजल ब्रोकिंग अब बन गया है एंजल वन। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एंजल वन का प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप किस तरीके से एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जाना होगा इस URL पे जो कि है smartstore.angelbroking.com। इस URL पे जाने के बाद आपको पेज दिखाई देगा जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस पेज में लेफ्ट साइड में कुछ मेन्यूज दिए हुए हैं। चलिए एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेते हैं इन मेन्यूज का कि इन बटन्स को प्रेस करने से क्या क्या होगा और क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर डिस्कवर प्लेटफॉर्म का, उस पर आप जाते हैं तो आपको चार अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें सबसे पहला है एल्गो मार्केट प्लेस, उसके बाद दूसरा है दोस्तों एल्गो ब्रिज प्लेटफॉर्म, तीसरा है नो कोड प्लेटफॉर्म एंड चौथा है डीमैटिक इन्वेस्टमेंट। तो हमारा जो प्रोडक्ट है एल्गो क्रैब वो दोस्तों मार्केट प्लेस के यहाँ पर सेक्शन में आता है। अगर आप इसमें स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा एल्गो क्रैब और ट्रेडक्रॉन दो प्लेटफॉर्म यहाँ पर अवेलेबल हैं। आज का वीडियो एल्गो क्रैब के बारे में है तो हम एल्गो क्रैब के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरीके से आप एल्गो क्रैब को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर जो टैब में मिलता है वो है दोस्तों वेबिनार। इसमें आप आने वाले अगले वेबिनार के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन से वेबिनार कब कब हैं और उनमें आप जाके अपनी सीट्स बुक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर बुक योर सीट पे क्लिक करेंगे तो आपको आप एक ही मैसेज आएगा और साथ ही साथ आपको ईमेल पे नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और वेबिनार में देख सकते हैं किस तरीके से प्रोडक्ट काम करते हैं। उससे अगला ऑप्शन है दो ये एल्गो लर्निंग का। एल्गो लर्निंग के ऑप्शन में जाके आप यहाँ पर अलग अलग तरीके की जो यहाँ पर स्ट्रेटजीज के बारे में कोर्सेज हैं और जो भी आपको ट्रेनिंग चाहिए तो वहाँ पर वो आप यहाँ से ले सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह जो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं इनमें से कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं और देख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है ब्लॉग्स का। अगर आप ब्लॉग्स के ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग द्वारा दिए हुए बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जिन ब्लॉग्स को आप रीड कर सकते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप पा सकते हैं। तो उसके बाद अगला जो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों वो फोरम का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट के लिए आपको फॉरम बने हुए हैं जिन फॉरम्स पे जाके आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। जैसे आप एल्गो क्रैब के पोर्टल पे जाएंगे तो यहाँ पर क्वेश्चंस आप पुट कर सकते हैं, जो भी आपको कुछ पूछना है या जानकारी चाहिए वो आप यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर देने के बाद आपको हमारी टीम के थ्रू या फिर एंजल ब्रोकिंग की टीम के थ्रू यहाँ पर रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला ऑप्शन है स्मार्ट API का, जिसमें कि आप जाके देख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कोडिंग करना चाहते हैं, अपने से कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके बारे में फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। यहाँ पर लाइब्रेरीज दी गई हैं, API को यूज़ करने का डॉक्यूमेंट दिया गया है और API क्रिएट करने का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए प्लेटफॉर्म पर वापस जाते हैं और देखते हैं कि आप अगर यूज़ करना चाहते हैं एल्गो क्रैब के प्लेटफॉर्म को तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था डिस्कवर प्लेटफॉर्म्स के ऑप्शन में आपको सबसे पहला जो ऑप्शन है मार्केट प्लेस का, एल्गो मार्केट प्लेस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है एल्गो क्रैब की तरफ। एल्गो क्रैब पे आपको लर्न मोर पे क्लिक करना है। दोस्तों लर्न मोर पे क्लिक करने के बाद आपको गो टू एल्गो क्रैब पे जाना है, लेकिन उससे पहले ध्यान देना है आपको यहाँ पर लॉगिन भी करना होगा। मैंने अपना लॉगिन किया हुआ, मैं चलिए इसको लॉग आउट कर देता हूँ और दोबारा से इस बटन को प्रेस करता हूँ। उसके बाद मैं मार्केट प्लेस में जाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ। लर्न मोर पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर गो टू एल्गो क्रैब में जाऊँगा ये मुझे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल भरनी है अपनी एंजल ब्रोकिंग की और उसके बाद वापस आप इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको गो टू एल्गो क्रैब पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गो टू एल्गो क्रैब पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप हमारे प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर सीधा आपको वहाँ से लॉगिन कर दे गो टू एल्गो क्रैब पे जाने के बाद आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे सबसे पहला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑथेंटिकेशन का। यहाँ पर जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आपको एक एल्गो क्रैब का टोकन मिल जाता है, एक्सेस टोकन मिल जाता है जो कि 24 आवर्स के लिए वैलिड होता है। इस टोकन को आप यूज़ करके एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, पूरा दिन आपका ट्रेड होता रहेगा। आपको वैलिडेट टोकन पे क्लिक करके देख लेना है कि टोकन वैलिड है या नहीं है। अगर एक्सेस टोकन वैलिड है तो आप इसमें अपना एल्गो ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं। अगर इनवैलिड टोकन आता है तो
आप यहाँ पर जाके अपना पासवर्ड दोबारा से डाल के अपडेट कर लीजिए और उसके बाद गेट एक्सेस टोकन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप गेट एक्सेस टोकन पर क्लिक करेंगे वापस ये रिडायरेक्ट करके हमारी इसी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर ले आएगा। इसका मतलब हमें टोकन नया मिल गया। अगर नहीं मिला, अगर टोकन नहीं मिलेगा तो वो आपको कोई ना कोई एरर दिखाएगा। वो एरर के हिसाब से आपको देख लेना है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। कई बार क्या होता है कि यूज़र आईडी पासवर्ड गलत होते हैं, जहाँ पे डाले होते हैं और एंजल ब्रोकिंग के अलग होते हैं, तो उसकी वजह से कुछ एरर्स आ जाते हैं। अगर आपको कोई एरर नहीं आया, डैशबोर्ड पर आप वापस आ जाओ, तो समझ लो कि आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो ये था सबसे मेन और सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये चूज़ करना है कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर एल्गो ट्रेडिंग करने के हमारे दो अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है स्ट्रेटजीज और दूसरा तरीका है ब्रिज टूल। स्ट्रेटजीज का जो है सेक्शन, उसमें हमारी स्ट्रेटजीज मिलती हैं, यानी कि एल्गो क्रैब की 8 डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। अगर आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको 8 की 8 स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी। आज का जो वीडियो है उसमें हम स्ट्रेटजीज के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ ब्रिज टूल का। ब्रिज टूल में क्या होता है दोस्तों कि अगर आप MT4 से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या आप ट्रेडिंग व्यू या फिर एमी ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वहाँ पर आपकी कोई स्ट्रेटजी है तो उसको भी आप यहाँ से ब्रिज कर सकते हो। यहाँ पे ब्रिज टूल आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और चार्टिंग प्लेटफॉर्म को ब्रिज करता है और ट्रेड्स को इधर से उधर भेजता है। तो ये है ब्रिज टूल का काम। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का वीडियो हमारा जो है वो स्ट्रेटजीज के सेक्शन के बारे में है, तो मैं स्ट्रेटजीज के बारे में बात करूंगा। यहाँ पर 8 अलग अलग स्ट्रेटजीज दी हैं, जिनमें से कुछ स्ट्रेटजी इंट्राडे और कुछ पोजिशनल की हैं। उनके ऊपर प्रॉपर मेंशन है कौन सी स्ट्रेटजी इंट्राडे के लिए काम करती है और कौन सी स्ट्रेटजी पोजिशनल के लिए काम करती है। तो दोस्तों आपको जाना कहाँ है, सबसे पहले आपको जाना होगा हीट मैप के सेक्शन पे। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ हीट मैप का काम क्या है। हीट मैप का काम है आपको ये बताना कि कौन सी स्ट्रेटजी का कौन सा सिंबल आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है, कौन से सिंबल में बहुत अच्छी एक्यूरेसी आ रही है। तो आप बेसिक सी बात है कि जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ऐसे ही सिंबल में ट्रेडिंग करना है जिसमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस या अच्छी खासी एक्यूरेसी आ रही हो। क्योंकि अगर आप ऐसे सिंबल में ट्रेड करेंगे जिसमें कि लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं और प्रॉफिट कम आ रहे हैं, तो आपके लॉस होने के चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो इंट्राडे की हो चाहे वो पोजिशनल की हो। मान लीजिए आप इंट्राडे के लिए इंट्रामैक्स की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप इंट्रामैक्स की स्ट्रेटजी पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि कितने कितने यहाँ पे पॉइंट्स का प्रॉफिट है और क्या क्या एक्यूरेसी निकल के आ रही है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है निफ्टी, नेचुरल गैस, लीड, इन सब में किस तरीके की एक्यूरेसी मिल रही है। SR ट्रांसपेन है, सिल्वर है, बजाज फाइनेंस है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, बॉश लिमिटेड है, गोदरेज है। इनमें अलग अलग 60% से ऊपर की जिनमें भी एक्यूरेसी आ रही है वो आपके लिए बेटर सिंबल रहेंगे, उनमें आपकी ट्रेडिंग बढ़िया हो सकती है। जैसे सन टीवी के सिंबल पे आप देखिए 65% की एक्यूरेसी। अगर आप सन टीवी के सिंबल पे क्लिक करते हैं तो इसमें आने वाले सारे सिग्नल्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे टोटल 83 नंबर ऑफ सिग्नल्स यहाँ पर आए हैं, जिनमें जो प्रॉफिट हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दोस्तों अवेलेबल है कि कितने कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 148 पॉइंट्स का जो प्रॉफिट है और 65% की एक्यूरेसी। और ये जो भी प्रॉफिट है ये सब फ्यूचर के सिंबल्स में ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, दिस डेटा इज बेस्ड ऑन NFO MCX बेस्ड। If you are trading in NSE, आपको correlatively trade करना पड़ेगा, यानी कि अगर NSE future में कोई trade आएगा तो same trade आपके NSE cash में भी perform कर दिया जाएगा। आपको जो भी data यहाँ पर दिखेगा, performance में दिखेगा, जो भी चीज़ें दिखेंगी वो सब NSE futures के हिसाब से होंगी। इसमें कुछ भी cash के हिसाब से डेटा नहीं है। लेकिन अगर आप कैश में ट्रेडिंग करते हैं तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब भी फ्यूचर के किसी सिंबल में बाय का या सेल का सिग्नल आता है। तो दोस्तों ये था हीट मैप के सेक्शन का काम। परफॉर्मेंस के सेक्शन में भी सेम ही चीज़ है कि अगर आपको यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर सिंबल की परफॉर्मेंस देखनी, जैसे आपको देखना है कि अपोलो टायर में या अपोलो हॉस्पिटल में क्या एक्यूरेसी आई, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि अपोलो हॉस्पिटल में 82 सिग्नल्स में 18 पॉइंट का नुकसान हो रहा है और 47.56% की यहाँ पर एक्यूरेसी आ रही। तो ऐसे सिंबल में ट्रेड करने का दोस्तों कोई फायदा नहीं है जिस सिंबल में लॉस हो रहा है, जिस सिंबल में एक्यूरेसी भी कम है और प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, ऐसे सिंबल में ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। उसके लिए आपको हीट मैप के सेक्शन में जाके आराम से आप चेक कर लीजिए कि कौन सी स्ट्रेटजी के कौन से सिंबल 60% से अबव एक्यूरेसी दे रहे और प्रॉफिट भी मिल रहा है जहाँ पर। ऐसे सिंबल्स को सिलेक्ट कीजिए और उनमें ट्रेडिंग करिए। उसके बाद आते हैं दोस्तों सिग्नल्स के सेक्शन में। सिग्नल्स के सेक्शन में अगर आप सिग्नल के सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको देखेगा कि कौन से रनिंग सिग्नल्स अभी चल रहे हैं, जैसे लीड का चल रहा है, डीबी स्लैब और पेट्रोनेट, ये पोजिशनल स्ट्रेटजीज में कौन कौन से रनिंग सिग्नल चल रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है। कौन कौन से सिंबल है सारी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जा रही है। अब आते हैं दोस्तों सबसे मेन पॉइंट पे कि आपको सिंबल किस तरीके से क्रिएट करना है और किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। मान लीजिए आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि मुझे इस पर्टिकुलर सिंबल में ट्रेड करना है। मान लीजिए मैंने जो आपको सिंबल दिखाया था वो था सन टीवी का, ठीक है। मान लीजिए सन टीवी में आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको जाना होगा कस्टमाइज स्ट्रेटजी के टैब में। कस्टमाइज स्ट्रेटजी के टैब में जब आपको सिलेक्ट करना होगा सिंबल का नाम, और सिंबल के नाम को सिलेक्ट करके आपको वहाँ पर ट्रेडिंग
होगी। मान लीजिए मुझे ईगल ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी में ट्रेड करना है, तो मैं यहाँ पे ईगल ट्रेडिंग सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं सिंबल में मान लीजिए मुझे भारतीय एयरटेल में ट्रेड करना है, तो मैं यहाँ पे भारतीय एयरटेल सर्च करूँगा। भारतीय एयरटेल का अगस्त का फ्यूचर यहाँ पर आ रहा है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी जो भी भारतीय एयरटेल की होती है, मान लीजिए मुझे MIS करना है, तो मैं यहाँ पे उसकी क्वांटिटी जैसे 1851 क्वांटिटी होती है भारतीय एयरटेल की, अगर मान लीजिए मैं भारतीय एयरटेल में 1851 क्वांटिटी लगा के ट्रेड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से मैं क्वांटिटी यहाँ पर फिल कर दूँगा। जो भी उस पर्टिकुलर सिंबल की क्वांटिटी होती है वो मैं यहाँ पर फिल कर दूँगा। ये मैंने 1851 डाल दिया, मान लीजिए उसकी 500 है या 1000 है या जो भी है, वो आप फिल करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप स्टॉप लॉस के ऑप्शन पे ऑन करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस जो है एक्टिवेट हो जाएगा, अगर आप ऑफ़ करते हैं तो फिर स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं लगेगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि स्टॉप लॉस को आप ऑन ही रखें, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगला ऑप्शन यहाँ पर टारगेट का है, यहाँ पर टारगेट ऑफ़ का बटन दिया हुआ है, उसके बाद टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 के बटन दिए गए हैं, और उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो नीचे अवेलेबल है कि स्टॉप लॉस कितने परसेंट का है और टारगेट कितने परसेंट के हैं। टारगेट 1 आधा परसेंट है, टारगेट 2 1% और टारगेट 3 1.5% है। इस तरीके से आप टारगेट या स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं। अगर आप ब्रैकेट या कवर ऑर्डर पे ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ब्रैकेट ऑर्डर का, अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ब्रैकेट ऑर्डर के स्टॉप लॉस से टारगेट सेलेक्ट कर सकते हैं। कवर ऑर्डर का स्टॉप लॉस करना है तो कवर ऑर्डर का स्टॉप लॉस लगा के सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं रेगुलर ऑर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद मुझे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अगर मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर एक कार्ड बन के आ गया है। अब इस कार्ड में हमें क्या करना होगा दोस्तों, इस कार्ड में हमें स्टार्ट का बटन प्रेस करना होगा। अगर हम स्टार्ट का बटन प्रेस कर देते हैं तो उसके बाद हमारा ट्रेड जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, तो अब जो भी कोई नया सिग्नल आएगा तो इस पर ट्रेड हो जाएगा। उसके बाद एक और बटन यहाँ पे दोस्तों मिलता है, वो है स्क्वायर ऑफ का। मान लीजिए कोई ट्रेड पर्टिकुलर चल रही है, आपको लगता है कि ये सफिशियंट प्रॉफिट है आपके लिए, अभी आपको एग्जिट कर देना है ट्रेड से, या आपको लगता है कि मुझे आज इस ट्रेड को अभी ख़त्म कर देना है, आप आगे अल्गो ट्रेडिंग नहीं करना चाहते उस पर्टिकुलर सिंबल में, तो आप स्क्वायर ऑफ का बटन दबा सकते हैं। अगर आप स्क्वायर ऑफ का बटन दबाएंगे तो आपका जो ट्रेड है वो प्रॉपरली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और उसके बाद आप नई ट्रेड के लिए इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें काम होता है, बहुत ही आसान है, 2 मिनट का काम नहीं है। सिर्फ आपको आना है हीट मैप पे, चेक करना है कौन से सिंबल बढ़िया चल रहे हैं, उनमें से कोई भी एक सिंबल को क्रिएट कर लेना है, और क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आके स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से आपका सिंबल स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेडिंग अपने आप होती रहेगी। एक चीज़ और मैं दोस्तों बताता हूँ, इसमें आपको 6 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं स्मार्ट स्टोर के थ्रू तो आपको 6 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा, और 6 दिन के फ्री ट्रायल में सारी की सारी सर्विसेज ओपन होती हैं। आप कोई भी सर्विस को यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से इस सर्विस पे काम होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनका भी एंजल ब्रोकिंग अकाउंट है, या फिर जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं या एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। हाँ, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, हालांकि मैंने वो आपको पहले भी बताई थी लेकिन फिर से एक बार इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जब आएंगे तो यहाँ पर smartstore.angelbooking.com पर जाने के बाद आपको एक फॉरम का सेक्शन मिलेगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप फॉरम पर जाके उसको लिख सकते हैं। उससे क्या होगा दोस्तों कि हम उसको आंसर करेंगे, और फॉरम पर जाने के बाद बहुत सारे लोग उस आंसर को देख पाएंगे, उस क्वेश्चन को देख पाएंगे जो क्वेश्चन आपने लिखा है। उससे काफ़ी सारे लोगों के जिनके मन में सेम क्वेश्चन होगा उनको वहाँ पर आंसर आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।